नमस्कार दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि महाशक्ति किसे कहते हैं, अमेरिका महाशक्ति कब बना और कैसे बना। आज आप जानेंगे इस विश्व की दूसरी महाशक्ति के बारे में, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ, जिसे आप वर्तमान में रशिया या रूस के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ एक देश नहीं था, बल्कि देशों का समूह था, या यूनियन हम इसे कह सकते हैं, जिसमें कई देश शामिल थे, जैसे रशिया, यूक्रेन और भी ढेरों देश इसमें शामिल थे। बात की जाए सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ एक ऐसी महाशक्ति था जो खुले रूप से अमेरिका को चुनौती दे रहा था, जो हर एक पहलू से अमेरिका को चैलेंज कर रहा था और उसे टक्कर देने के लिए हर एक एंगल से, हर एक पहलू से मजबूत था और उसे टक्कर दे सकता था। और जहां तक की बात है कि वो उसे हर पहलू पर टक्कर देने के लिए तैयार भी था, जिसे आप आगे की आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बात की जाए सोवियत संघ की, तो यह देश मानव इतिहास का सबसे बड़ा देश था क्षेत्रफल की दृष्टि से। सोवियत संघ ने मानव इतिहास में कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चाहे वो हथियार की हो, अंतरिक्ष में या कहीं पर भी। सोवियत संघ ने कई ऐसे काम किए हैं जो दुनिया में पहली बार हुए हैं। साथ ही साथ सोवियत संघ की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी मानी जाती थी। तो अब बात की जाए सोवियत संघ के इतिहास के बारे में कि ये एक महाशक्ति कैसे बना। सोवियत संघ, जिसे आप यूएसएसआर भी कहते हैं, तो रूस के शासक जार थे, जो कि एक तानाशाही शासक थे। जार वहां पे एक संज्ञा है, एक नाम है जो राजाओं को दिया जाता है, वहां के शासकों को दिया जाता है। तो ये एक तानाशाही शासक थे। तो 1917 में रूस में होती है रूसी क्रांति, जिसे हम साम्यवादी क्रांति भी बोलते हैं। रूस में साम्यवादी क्रांति का परिणाम ये निकलता है कि जार तानाशाही का अंत हो जाता है, यानी कि जब लोगों में एकता होती है, एक वहां पे क्रांति का जन्म होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो फिर वहां की जो शासक है उनका तख्ता पलट हो जाता है। तो रूस के अंतिम शासक जार का नाम था जार निकोलस द्वितीय सेकेंड, जिन्हें फांसी दे दी जाती है। और यहीं से रूस में एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। और इस क्रांति के नेता या जिनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई, उनका नाम लेनिन था। लेनिन जो कि मार्क्स के विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो यहां पे आपने जाना कि रूस में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा गया। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका के महाशक्ति बनने में एक व्यवस्था थी, जिसे हमने पूंजीवादी व्यवस्था कहा था, जिसके कारण अमेरिका एक महाशक्ति बन के दुनिया के सामने आया। उसी प्रकार सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में साम्यवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको हमेशा, मैं फिर से कहूंगा, ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, अमेरिका के साथ पूंजीवाद और सोवियत संघ के साथ साम्यवाद। अब यहां से शुरुआत होती है सोवियत संघ के विकास की। तो 1922 में स्टालिन सोवियत संघ के शासक या राष्ट्रपति बने। इन्होंने रूस के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की। लेनिन जो थे, जैसे ही साम्यवादी क्रांति होती है तब वो शासक बनते हैं 1917 से 22 तक। और 1922 में वहां पे स्टालिन राष्ट्रपति बनते हैं, वहां के शासक बनते हैं, यानी वहां की सत्ता का कार्यभार संभालते हैं। तो 1928 में उन्होंने तीर विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया। पंचवर्षीय योजना के बारे में शायद आपने सुना हो, जिसे हम कहते हैं 5 ईयर्स पॉलिसी, जिसे भारत ने भी तुरंत आजादी के बाद
अपनाया था और आज भी हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को हम हर साल हर 5 साल में ये बनाई जाती है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसी प्लेलिस्ट में। तो आज भी भारत में इस पंचवर्षीय योजना को चलाया जा रहा है। और ये पंचवर्षीय योजना का विकास कहाँ से हुआ है? सोवियत संघ से। सोवियत संघ ने सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। साथ ही साथ स्टालिन ने एक वाक्य कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था। स्टालिन ने कहा था कि हम विश्व से 100 साल पीछे हैं और हमें आने वाले 5 सालों में 100 साल का विकास करना है। और रूस ने इन 5 साल यानी कि 1928 से 33 तक, यानी जब उसने पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाया, तो बहुत ही तीव्र गति से विकास भी किया। सोवियत संघ ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाते हुए 1917 से 1945 के बीच इतना विकास कर लिया इस व्यवस्था के आधार पर, जितना कि पूरे विश्व ने लगभग 100 वर्षों में किया था। यानी कि 1945 तक सोवियत संघ अपना इतना विकास कर चुका था कि यह दुनिया के सामने एक महाशक्ति बनकर उभर चुका था और विश्व राजनीति पर अपना वर्चस्व जमा चुका था, उसे अपने हिसाब से बदल सकता था। तो ये थी सोवियत संघ की महाशक्ति बनने का दौर। साथ ही साथ सोवियत संघ 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा और इसके बाद इस संघ के टुकड़े हो गए, विघटन हो गया, तो सोवियत संघ का इस कारण विभाजन भी हो गया था, जिसके बारे में आप आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आपका सबसे ज़रूरी काम यह है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी इस प्लेलिस्ट से जुड़ी आने वाली वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।